In this video, we will discuss the topic, the cost-benefit principle. These are some principles given by Mankiw under the heading How do people make decisions? The first point, people face trade-off, that is the scarcity principle. This is second point, second principle. People incur opportunity costs and gain benefits of decisions, that is the cost benefit principle. The first principle is explained in another video that is available on YouTube. You can watch. In here we will discuss second principle, the cost benefit principle. First is the introduction. An economy exists because human wants are unlimited and resources are limited but have alternative uses. Jo economics hai, economics kyun bani hai? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कम हैं और इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं, पर जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं. इट मीन्स वी डू नॉट हैव एवर इनफ एवरीथिंग. तो हमारे पास हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, अनलिमिटेड नहीं हो सकती. इट इज़ कॉल्ड स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेस. इसी को स्केयरसिटी कहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी पीपल ऑलवेज फेस ट्रेड ऑफ्स. तो स्केयरसिटी होने की वजह से हम ट्रेड ऑफ फेस करते हैं. ट्रेड ऑफ का मतलब कि हम एक चीज अगर लेंगे तो दूसरी नहीं ले पाएंगे. दिस इज द स्केयरसिटी प्रिंसिपल जो कि अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में. अ डिसीजन मेकर इज कन्फ्रंटेड. कन्फ्रंटेड मीन्स टू फेस, किसी चीज का सामना करना या कुछ उसके सामने अल्टरनेट्स होना. अ डिसीजन मेकर is confronted with various options and needs to find the best choice. So because of scarcity, हमारे पास बहुत options होती हैं. जैसे हमारे पास milk है, तो हमारे पास options हैं कि हम tea बना सकते हैं, milk shake बना सकते हैं, curd बना सकते हैं, cheese बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं. So we confronted with various options. But हमें best choice वहाँ पे choose करना है कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेटर है. डूइंग सो, तो ऐसे चॉइस जब हम करते हैं, इट मीन्स बैलेंसिंग बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स. तो जब हम ये चूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि इस चॉइस में क्या बेनिफिट है, क्या कॉस्ट है, और हम वही डिसीज़न चूज़ करते हैं जिसमें नेट बेनिफिट, दैट इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट, वो ज्यादा हो. इसलिए हमें कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है फॉर एवरी इकोनॉमिक डिसीजन बिकॉज ऑफ द स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. नाउ मीनिंग, डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. ये जो चैप्टर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या डेफिनेशन है और क्या क्या टर्म्स हम इसमें यूज़ करते हैं,
वो हम एक्सप्लेन करेंगे इस हेडिंग में। एन एनालिटिकल मॉडल कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसको हम एनालिटिकल मॉडल बोलते हैं क्योंकि इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि किसी भी डिसीजन में क्या कॉस्ट है और क्या बेनिफिट है। इज यूज्ड टू एनालाइज द वाइडर इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, मेनली जब हम रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं कि कौन से रिसोर्स को किस जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया जाए। जैसे सपोज हमारे पास प्रोजेक्ट हों, ए एंड बी दो प्रोजेक्ट हों, तो कितनी लेबर कितनी कैपिटल ए प्रोजेक्ट में लगाई जाए, कितनी लेबर कितनी कैपिटल बी प्रोजेक्ट में लगाई जाए। जब हम ऐसे कोई डिसीजन लेते हैं वो रिसोर्स एलोकेशन है कि कितनी लेबर कैपिटल यहाँ पर, कितनी लेबर कैपिटल यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा लगा दी तो इस प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल कम रह जाएगी, अगर हमने यहाँ लेबर ज़्यादा लगा दी तो इस प्रोजेक्ट के लिए लेबर कम रह जाएगी। इसलिए हमें देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, कहाँ पे हम लेबर ज़्यादा लगाएं, और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो लेबर इंटेंसिव है, कहाँ पर हम लेबर ज़्यादा लगाएं। तो ये सब कुछ हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू चूज करते हैं। एन एनालिटिकल मॉडल कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूज्ड टू एनालाइज द वाइडर इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, स्पेशली बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ज़्यादा तौर पर जो ये जो एनालिसिस है वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, क्योंकि जो पब्लिक प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, वो लॉन्ग टाइम के लार्ज इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं। इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वी एस्टिमेट बोथ डायरेक्ट इंटरनल एंड इनडायरेक्ट एक्सटर्नल कॉस्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट टू द सोसाइटी एज वेल एज इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। तो जब भी हम ये एनालिसिस करते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट का, तो हर तरह के बेनिफिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और हर तरह की कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है वो हम स्टडी करते हैं। एक साइड हम कॉस्ट लिखते हैं, एक साइड हम बेनिफिट लिखते हैं, फिर बेनिफिट माइनस कॉस्ट करके हम नेट बेनिफिट देखते हैं, और यहाँ पर नेट बेनिफिट हाईएस्ट हो वो डिसीजन फिर हम चूज करते हैं। बिकॉज पीपल फेस ट्रेड ऑफ, क्योंकि हम ट्रेड ऑफ फेस करते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा, मेकिंग डिसीजंस रिक्वायर कंपेयरिंग द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस इन एक्शन। अब क्योंकि स्केयरसिटी है रिसोर्सेज की, इसलिए हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है। द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रेस्ट एंड टर्वे, एआर प्रेस्ट एंड आर टर्वे डिफाइंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन देयर पेपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अ सर्वे पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक जर्नल इन 1965। इट इज़ द पेपर ऑफ 53 पेजेस, 53 पेज का जो पेपर है जिसमें प्रेस्ट एंड टर्वे ने कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये जर्नल है, द इकोनॉमिक जर्नल। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ असेसिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये एक प्रैक्टिकल वे है कि किसी भी प्रोजेक्ट को असेस करना, उसके कॉस्ट देखना, उसका बेनिफिट देखना। वेयर इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक अ लॉन्ग व्यू एंड अ वाइडर व्यू। तो जैसे हमने देखा ऑल बेनिफिट्स, ऑल कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
तो जहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो, जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगने हों, जहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत हो, दैट इज़ इट एम्प्लाइज द एनोमरेशन. एनोमरेशन होता है एक एक बेनिफिट को लिखना, एक एक कॉस्ट को लिखना, काउंट करना, एंड एवेल्युएशन ऑफ ऑल रेलिवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. तो सारे कॉस्ट बेनिफिट को जो भी किसी प्रोजेक्ट में है उसको न्यूमरेट करना, उसको एवेल्युएट करना, ये एक प्रैक्टिकल वे है. इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, देन देर आर सम अदर टर्म्स आल्सो लाइक शेडो प्राइस. इट इज अ कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू सिचुएशंस इन विच एक्चुअल प्राइसेस कैन नॉट बी चार्ज्ड और वेयर एक्चुअल प्राइसेस चार्ज्ड डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियल सेक्रीफाइस मेड व्हेन सम एक्टिविटी इज परस्यूड. तो ये क्या है? शेडो प्राइस एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक ऐसी सिचुएशन पे अप्लाई होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ की एक्चुअल प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, या जो एक्चुअल प्राइस हम जो भी चार्ज कर रहे हैं उसमें उसके पीछे और क्या क्या सोसाइटी ने सेक्रीफाइस किया वो नहीं कवर होता. उसके लिए हम शेडो प्राइस वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल बेनिफिट्स विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन मनी टर्म्स. तो किसी भी डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव सोशल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं. सोशल का मतलब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जिसको हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते मनी टर्म में, जैसे लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी, लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एटसेट्रा. तो देयर प्राइस कैन नॉट बी डिटरमिंड. अब जैसे सपोज हमने कोई रोड वाइडनिंग का काम करना हो, कोई रोड है उसके आसपास ट्रीज लगे हुए हैं, फाइव फाइव लाइंस ट्री की हैं लगी हुई, तो हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं, तो हमने टू टू रोज दोनों साइड से ट्रीज की काट दी, रोड को वाइड कर दिया. तो जैसे ही हमने ट्रीज को काटा उसमें देखो रोड बनाने का बेनिफिट हुआ, सोसाइटी को रोड वाइड मिल गया, बट जो लॉस हुआ, वाइल्ड लाइफ का लॉस हुआ, सपोज नेचुरल ब्यूटी का लॉस हुआ, तो इसकी जो कॉस्ट है, जो सोसाइटी ने ये सेक्रीफाइस किया, जो रोड बनाने के ऊपर खर्चा आया, वो तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कि रोड बनाने पे कितनी कॉस्ट आई, तो उसकी प्राइस आराम से मार्केट में डिटरमिन हो जाएगी. पर ये लॉस सोसाइटी को जो हुआ, ये कितना हुआ, इसकी प्राइस डिटरमिन नहीं हो पाएगी. इसको हम शेडो प्राइस कहते हैं. बट देर आर सम प्राइसेस ऑफ दीज सोशल बेनिफिट्स, तो इन बेनिफिट्स की कोई ना कोई प्राइस तो है, विच वी कॉल द शेडो प्राइस. सो स्पेशली डिवाइज्ड प्राइस इज कॉल्ड शेडो प्राइस, विच रिफ्लेक्ट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रू स्केर्सिटी वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेस यूज्ड. तो ये एक तरह से ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अगर हम रोड वाइड करेंगे इसका मतलब हमें वो दो दो लाइन वाले जो ट्रीज हैं पूरे जो रोड के साथ साथ लगे हुए हैं उसकी जो ब्यूटी है वो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. तो रोड वाइड करने से जो हमें बेनिफिट मिला वो हमने रोड के साथ जो ट्रीज थे उनको काट के उसका कॉस्ट या उसका सेक्रीफाइस कर साथ में किया. तो जब जैसे ही हमने रोड बनाई तो उसका बेनिफिट भी मिला बट हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ा ट्रीज का. तो ट्रीज का जो हमने सेक्रीफाइस किया वो है शेडो प्राइस. द सरोगेट मार्केट, देर आर मैनी थिंग्स विच डू नॉट हैव एनी मार्केट. जैसे हमने ऊपर देखा कि उसकी जो नेचुरल ब्यूटी की कोई मार्केट नहीं है कि हम नेचुरल ब्यूटी ले लें.
ऐसे ही जैसे क्वाइटनेस है, इसकी कोई मार्केट नहीं है, नॉइज़ की कोई मार्केट नहीं है कि मार्केट में कोई नॉइज़ पोल्यूशन मिल रहा है, क्लीन एयर की कोई मार्केट नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कवर वट वुड बी द प्राइस ऑफ दीज थिंग्स इफ देयर मार्केट एग्जिस्ट। तो जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो हमें डिसीजन लेने के टाइम इन चीज़ों की प्राइस क्वांटिफाई करने पड़ती है। वैसे हम इनको क्वांटिफाई कर नहीं पाते, बट हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम इनको क्वांटिफाई कर पाएं, क्योंकि जो सरोगेट है, सरोगेट वर्ड का मीनिंग ही यही है, एक ऐसी चीज़ होती है, अ थिंग दैट टेक्स प्लेस ऑफ समथिंग एल्स, जो हम किसी और चीज़ की जगह पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने वाइल्ड लाइफ की जगह पर रोड बनाई है, तो ऐसे ही हम जब इसकी प्राइस नहीं डायरेक्टली मार्केट में ले पाएंगे, तो इसकी जगह हम जो भी यूज़ करेंगे प्राइस की जगह, तो उसको हम कहेंगे सरोगेट शेडो प्राइस या सरोगेट मार्केट। तो इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कवर व्हाट वुड बी द प्राइस, तो जो हम प्राइस गेस कर रहे हैं वो सरोगेट ही है, क्योंकि हम ओरिजिनल प्राइस की जगह इसको लगा रहे हैं। जैसे किसी चीज़ की प्राइस होती है, जैसे इस पेंसिल की प्राइस है, तो ऐसे ही अगर इसकी मार्केट हो, नॉइज़ पोल्यूशन की मार्केट हो, क्लीन एयर की मार्केट हो, तो क्या प्राइस होगी ऑफ दीज थिंग्स इफ देयर मार्केट एग्जिस्ट्स। सो स्पेशली डिवाइज्ड प्राइस इज कॉल्ड शेडो प्राइस। जैसे हमने ऊपर देखा, स्पेशली डिवाइज्ड प्राइस, इसको शेडो प्राइस कहते हैं। एंड द मार्केट इन विच शेडो प्राइस इज डिटरमिंड इज कॉल्ड सरोगेट मार्केट। तो जो भी ये मार्केट होगी, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर हम कोशिश करना चाहें, इसको हम अगर एक एग्जांपल में समझें, सपोज करो ये कोई एरिया है, बहुत ही सपोज पीसफुल एरिया है, लिख लेते हैं, यह एक पीसफुल एरिया, ये एक एरिया है, यहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इस एरिया में सपोज बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ये एरिया सपोज पीसफुल है, इस एरिया में सपोज कोई एक घर है, इस घर में जितनी स्पेस है, जितना ये प्लॉट का साइज है, जितनी इसकी कंस्ट्रक्शन है, जितनी इसकी फर्निशिंग है, बिल्कुल सेम घर एक यहाँ पर है, सपोज 1 नंबर और दिस इज 2 नंबर। तो जितनी स्पेस, जितना प्लॉट साइज, जितनी फर्निशिंग, जितनी कंस्ट्रक्शन यहां पर है, सेम यहां पर है। अदर थिंग्स आर आल्सो सेम इन बोथ एरियाज, स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट रोड्स, साइज, एवरीथिंग इज सेम, बट दिस एरिया इज क्वाइट एरिया, ये पीसफुल है, और ये एरिया बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाला है। तो चाहे इन दोनों घरों के ऊपर सेम खर्चा आया, बट नेचुरली इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी, दोनों पे जो खर्चा आया वो सेम है, बट इसकी जो प्राइस है इस घर की, वो प्राइस है सपोज 80 लाख रुपीस, और इसकी जो प्राइस है वो है सपोज 70 लाख रुपीस। तो जब बाकी सारी चीजें दोनों घरों में सेम है, जो भी इस हाउस की मार्केट प्राइस है वो 70 लाख है, क्योंकि यहाँ भी कंस्ट्रक्शन जो आई सेम है, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई यहाँ पे है, जो सोफा सेट हमने यहाँ रखा वही वहाँ रखा, तो वो सेम प्राइस पे ही मिलेगा,
तो दोनों में जो खर्चा है वो 70 लाख है, तो इस घर की प्राइस 70 लाख है, बट यहाँ पर जो ओनर है वो मांग रहे हैं 80 लाख। इट मीन्स जो 10 लाख वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं क्वाइटनेस का, यहाँ पर पीसफुलनेस का। तो इट मीन्स इस एरिया में जो ये शांति है, पीसफुलनेस है, क्वाइटनेस है, इसकी प्राइस डिटरमिन हो गई 10 लाख रुपीस, क्योंकि यहाँ पर हम 10 लाख रुपीस कम दे सकते हैं, पर यहाँ पर हम 10 लाख रुपीस जो दे रहे हैं वो पीस के दे रहे हैं। तो इस प्राइस को, 10 लाख को, हम कहेंगे शेडो प्राइस, जो कि सरोगेट मार्केट में से डिसाइड होता है। नॉट टाइमलेस, द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज टाइमलेस। देन क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मच यू थिंक अबाउट बेनिफिट, तो आप बेनिफिट को कैसे देखोगे? द आंसर इज दैट बेनिफिट्स मे बी फॉर शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम। जैसे हम यहाँ पर घर लें पीसफुल एरिया में, तो उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा, टाइमलेस होगा, पता नहीं कब तक वो हमें बेनिफिट मिलेगा पीसफुलनेस का, बट नॉट फॉर द होल लाइफ टाइम। तो हम कब तक इसको कैलकुलेट करें? इन प्रैक्टिस फ्यूचर कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स मे नॉट गेट काउंटेड इफ द डिस्काउंट रेट इज रिलेटिवली हाई। तो अगर डिस्काउंट रेट हाई है फ्यूचर में, जैसे हम कहते हैं कि आने वाले 5 साल में इस एरिया में घर लेना बहुत ठीक रहेगा, 10 साल में बहुत अच्छा रहेगा, आने वाले 20, 30, 40 साल तक बहुत अच्छा रहेगा, तो लाइफ लॉन्ग हम नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि 40 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हो सकता है यहाँ पर भी पोल्यूशन हो जाए, हो सकता है ये एरिया उतना पीसफुल ना रहे। तो उतने सालों तक, 50, 60 सालों तक तो हम इसको नहीं काउंट कर सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हम देख सकते हैं 2-4 साल, 10 साल, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं 15-20 साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम कोई गारंटी नहीं ले पाएंगे इस चीज़ की। इसलिए हम यहाँ पर लिखा है बेनिफिट्स मे बी फॉर शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम, बट नॉट फॉर द होल लाइफ टाइम, क्योंकि उस बेनिफिट का आज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर 60 साल बाद आपको कोई बेनिफिट मिलना है, उसकी प्राइस अगर आप आज पे कर रहे हो, तो वो कोई उसका सेंस नहीं बनता, क्योंकि उस टाइम जो जरूरत होगी उस हिसाब से आप उसमें वो जो चीज़ है वो तैयार कर सकते हो। यहाँ पर डिस्काउंट रेट का मीनिंग भी यही होता है कि जो चीज़, जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है, इसको अगर मैं कोई एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे सपोज हम देखें कि कई बार लोग क्या करते हैं, एक ग्राउंड लेवल पे अपने घर का पोर्शन बनाया, जो है ग्राउंड फ्लोर, तो उनको जो फैमिली मेंबर्स हैं उसे हिसाब से ग्राउंड फ्लोर सफिशिएंट है। तो जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर वो सोच रहे हैं कि बनाएं या ना बनाएं, अभी ज़रूरत नहीं है, बट आफ्टर 20 ईयर्स हो सकता है फैमिली साइज बढ़ जाए और इसकी ज़रूरत पड़े। तो 20 ईयर्स बाद जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम उसको आज ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, आज ही अगर हम उसको बनाएं, तो 20 ईयर्स बाद आपको वो न्यू नहीं मिलेगा। अगर आप उसको 20 ईयर्स बाद बनाओगे, जिस टाइम आपको ज़रूरत है, उस टाइम आपको ये न्यू का न्यू मिलेगा। तो क्या आज बनाना, 20 ईयर्स बाद जो आपने यूज़ करना है, क्या वो सेम रहेगा? क्या आज उस आप उस पर सपोज 20 लाख रुपए लगाओ, क्या 20 ईयर बाद ये 20 लाख लगाने ठीक होंगे? क्या 20 ईयर के बाद ये 20 लाख का ही लगेगा? 20 ईयर बाद तो ये हो सकता है आपको पुराना लगे। तो उस टाइम अगर इस पे 30 लाख भी लग जाएं और ये नया हो, क्या वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? तो ये कैलकुलेशन करना, ये सोचना, ये देखना, ये है डिस्काउंट रेट। कॉस्ट
कॉस्ट बेनिफिट प्रैक्टिशनर्स जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, देयरफॉर टेंड टू इग्नोर एनी कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स विच अकर एट फार डिस्टेंट डेट्स इन फ्यूचर, क्योंकि लाइफ टाइम तक हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते बेनिफिट्स को, कॉस्ट को। जैसे हम वैसे भी कॉमन बोल देते हैं कि 10-15 साल तक तो ठीक है, उसके बाद किसने देखा है, तो यही कुछ है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की एक्सप्लेनेशन, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट योर कार रिपेयर डिसीजन। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल क्या है, सपोज करो एक कोई पिज्जा डिलीवरी पर्सन है जो लोगों के पिज्जा डिलीवर करते हैं। पिज्जा डिलीवरी करने से इसको इनकम होती है और सपोज करो इसके घर में कोई कार है और वो कार जो है वो खराब हो गई। अब इसने कार रिपेयर करवानी है। अब जब ये कार रिपेयर करवाएगा, इट मींस वो पिज्जा डिलीवरी जॉब पर नहीं जा सकेगा। तो ऐसी एक एग्जांपल है, तो ये कैसे डिसीजन ले। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी अज्यूम टू स्टार्ट दैट योर मैकेनिक चार्जेस फॉर हर टाइम इन वन आवर इंक्रीमेंट्स सो दैट द अमाउंट ऑफ टाइम यू चूज मस्ट बी अ होल नंबर। तो जो हमारा मैकेनिक है वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इस हिसाब से चार्जिंग लेता है कि 5 घंटे लगे तो इतने पैसे, 6 आवर्स लगे तो इतने पैसे, 3 आवर्स लगे तो इतने पैसे। ये हमारी एग्जाम्पल सपोज हमने लगाई। वी ऑल्सो अज्यूम योर मैकेनिक हैज एटमोस्ट 6 आवर्स ऑफ अवेलेबल टाइम। तो मैकेनिक के पास सपोज 6 आवर्स हैं जो वो आपकी कार को दे सकता है। इसके बेस पे हम एनालिसिस करेंगे कॉस्ट बेनिफिट का। फर्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ कार रिपेयर। अगर हम बेनिफिट देखें, टेबल 1 शोज हाउ मच मोर मनी यू विल गेट फॉर योर कार फॉर ईच नंबर ऑफ आवर्स योर मैकेनिक वर्क्स ऑन इट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे जैसे जो मैकेनिक है हमारी कार के ऊपर ज़्यादा घंटे काम करेगा तो हमारी कार की जो वैल्यू है उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हमारी कार उतनी ही अच्छी होती जाएगी। इट मीन्स हमें उतना ही बेनिफिट मिलता जाएगा। तो ये हमें बेनिफिट जैसे है वो बढ़ा रहे हैं, 600, 1100, 1600, 1900, 2200, 2400। नोटिस दैट मोर द रिपेयर टाइम मोर द वर्थ ऑफ कार इज। तो जैसे जैसे टाइम ज़्यादा लगाएगा मैकेनिक, ज़्यादा बढ़िया काम करेगा उसके ऊपर, तो कार की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल योर कार विल बी वर्थ रुपीज 1150 मोर इफ द मैकेनिक वर्क्स ऑन इट फॉर 2 आवर्स। अगर वो 2 घंटे काम करे सपोज, तो आपकी जो कार की वैल्यू है वो 1150 रुपीस बढ़ जाएगी एंड 1975 रुपीस बढ़ जाएगी इफ शी वर्क्स ऑन इट फॉर 4 आवर्स। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा टाइम हमारी कार के ऊपर लगाएगा, हमारी कार ज़्यादा बढ़िया बनती जाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा बेनिफिट होता जाएगा। तो ये तो है बेनिफिट कि वो कितना टाइम लगाएगा और कितना बेनिफिट हमें होगा। नो कॉस्ट, फर्स्ट यू हैव टू पे फॉर योर मैकेनिक्स टाइम एंड द पार्ट्स शी यूजेस। तो जो कॉस्ट है, जैसे ही हमारे टाइम कार के ऊपर लग रहा है तो जो मैकेनिक है वो अपने पार्ट्स जो भी यूज़ करे उसने, उसका खर्चा एंड मैकेनिक की जो लेबर की कॉस्ट है, वो दोनों पैसे वो लेगा जो हमें पॉकेट से देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेबल 2 शोज दैट द कॉस्ट ऑफ 2 आवर्स रिपेयर वर्क इज
₹355, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि 2 घंटे अगर वो काम करे तो 2 घंटे में जितने पार्ट्स यूज़ हुए, जितनी उसने लेबर लगाई, तो उसमें हमारे 355 रुपीज़ लगेंगे जो हमें पे करने पड़ेंगे। सेकंड, यू वुड नॉट बी एबल टू वर्क एट योर पिज़्ज़ा डिलीवरी जॉब व्हाइल योर कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड, दिस इज़ अनदर कॉस्ट। अगर हमने 2 घंटे खड़े होकर अपना पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम छोड़कर 2 घंटे कार रिपेयर को लगा दिए, इट मीन्स 355 रुपीज़ तो हमने पे किए कार मैकेनिक को, 25 रुपीज़ हमने अर्न करने थे पिज़्ज़ा डिलीवरी करके जो हम नहीं कर पाए। तो यू विल अर्न ₹25 लेस इफ़ यू मिस 2 आवर्स ऑफ वर्क, तो ये हम नहीं कर पाए, इसलिए हमारी जो टोटल कॉस्ट हुई कार रिपेयर करने की वो हुई 380, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा डिलीवरी करने को नहीं गए, योर बॉस विल बी अनॉयड, तो जो आपके बॉस हैं वो एंग्री हो सकते हैं। इफ़ यू मिस मोर आवर्स ऑफ वर्क एंड, तो अगर आप और ज़्यादा मिस करोगे काम को तो ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो जो आपके बॉस हैं दे विल असाइन यू टू डिलीवरी रूट इन अ लेस वेल्दी पार्ट ऑफ टाउन वेयर टिप्स आर लोअर। तो ये जो कॉस्ट है, जैसे जैसे आप ज़्यादा घंटे कार रिपेयर करने को लगाओगे तो आप जो काम करते थे वो काम आप नहीं कर पाओगे, तो उस काम का आपको लॉस भी होगा ना करने का, इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो दोनों बनेगी। ये डायरेक्ट कॉस्ट है जो कार के ऊपर लग रही है, ये कार के ऊपर लग नहीं रही बट हमें जो मिलना था वो नहीं मिल रहा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हम दोनों को जोड़कर ही बनाएंगे। टेबल 2 शोज द टोटल कॉस्ट फॉर ईच नंबर ऑफ रिपेयर आवर्स यू कुड चूज, तो ये टोटल कॉस्ट दिखाई है इस टेबल में। नोटिस दैट द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग योर कार आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, तो 2 तरह की ये कॉस्ट है। व्हेन यू हायर योर मैकेनिक एंड बाय पार्ट्स यू इनकर एन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, तो ये जो कॉस्ट है ये वाली ये आउट ऑफ पॉकेट है, मतलब जो हमने पैसे दिए, इन द सेंस दैट यू हैव टू टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट टू पे हर, तो हमने पे किया अपनी जेब से निकाल के पैसे दिए। बट व्हेन रिपेयरिंग योर कार फोर्सेस यू टू स्किप योर पिज़्ज़ा डिलीवरी जॉब, क्योंकि हम खड़े होकर वहाँ कार रिपेयर करवा रहे हैं, प्रेजेंस है हमारी वहाँ पर, इसलिए हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी जॉब उस टाइम हम नहीं कर रहे, द कॉस्ट इज़ डिफरेंट। यू हैंड नो मनी टू अदर्स, तो ये पिज़्ज़ा डिलीवरी के टाइम, ना डिलीवरी देने के टाइम हमने किसी को मनी पे नहीं करनी, आउट ऑफ पॉकेट नहीं है। इंस्टेड यू फॉरगो द अपॉर्चुनिटी टू हैव अदर्स हैंड मनी टू यू, ये वाली कॉस्ट है। तो दूसरों ने जो हमें मनी देनी थी वो नहीं मिली, दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें, 355 रुपीज़ हमने पे करने हैं, 25 जो हमें मिलने थे वो नहीं मिले, तो ये भी हमें लॉस हुआ, इसलिए हम दोनों को जोड़ के ही लगाएंगे। 2 घंटे कार ठीक कराने की जो हमें टोटल कॉस्ट बनी वो बनी 380 रुपीज़। दिस इज़ द टेबल फॉर बेनिफिट, दिस इज़ द टेबल फॉर कॉस्ट। नाउ वी विल मेक द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। टू मेक द राइट डिसीजन यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ रिपेयर आवर्स दैट मैक्सिमाइजेस योर नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट मीन्स द टोटल बेनिफिट यू ड्राइव लेस द टोटल कॉस्ट यू इनकर। तो नेट बेनिफिट, ये वाला नेट बेनिफिट, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, ये नेट बेनिफिट है। तो अब हमने कितने घंटे अपनी कार ठीक करवाए 6 में से, ये नेट बेनिफिट
400, 700, 900, 800, 700, 380, तो यहां पर ये सबसे ज्यादा है नेट बेनिफिट। टेबल थ्री शोज द टोटल बेनिफिट, टोटल कॉस्ट एंड नेट बेनिफिट फॉर ईच ऑफ योर पॉसिबल चॉइसेस। तो यहां पर ये दिए हुए हैं, टोटल बेनिफिट दिया हुआ है ऊपर वाले टेबल से ही, लेकिन टोटल कॉस्ट दी हुई है और नेट बेनिफिट दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल वी कैन सी द बेस्ट चॉइस इज थ्री आर्स, क्योंकि यहाँ पर जो नेट बेनिफिट है वो मैक्सिमम है 910। तो ऐसे हम किसी भी डिसीजन को लेने के टाइम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और वो डिसीजन लेते हैं यहाँ पर हमें नेट बेनिफिट मैक्सिमम। स्टेजेस इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसको हम स्टेज भी बोल सकते हैं, स्टेप्स भी बोल सकते हैं। देर आर फोर स्टेजेस। स्टेज वन, डिसाइडिंग वेदर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अप्रोप्रिएट टू अवेल्युएट ए प्रोजेक्ट। क्या हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए? In stage 1, we are concerned with assessing whether the proposed investment project or expenditure program is appropriate from the wider social point of view, taking all the both beneficial and harmful external effects of the investment project. तो हमने ये देखना है कि क्या एक overview है पहले कि क्या हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए इस चीज़ का। एक तो है कि ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है, चाहे सोसाइटी को कुछ भी हो, इट मींस बेनिफिट बहुत है। तो कई चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपने डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करना। बट अगर आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करना, इट मींस वो भी आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। अगर वो डिसीजन लेना ही है, इट मींस बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट ऑटोमेटिकली। तो पहली स्टेज पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्योंकि जहां पर हम डिसीजन लेना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, चाहे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा हो, फिर तो उसको एनालिसिस को करने की ज़रूरत ही नहीं। इट मीन्स वो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। तो डिसीजन एनालिसिस आप कब करोगे? एनालिसिस आप करोगे कि अगर कॉस्ट ज़्यादा हुई फिर आप वो काम नहीं करोगे, अगर बेनिफिट ज़्यादा हुआ फिर आप काम करोगे। तो जब ये पॉसिबिलिटीज हों दो, तब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। तो पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाइंग एंड एनुमरेटिंग ऑल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स। तो जब हमने फर्स्ट पॉइंट के बेस पे डिसीजन ले लिया कि यस वी विल डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो हमने अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस स्टार्ट किया, स्टेज टू रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग एंड एनुमरेटिंग ऑल एक्सटर्नल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स। तो फिर हम सारी तरह की जो कॉस्ट है, सारे तरह के जो बेनिफिट है वो देखेंगे, मैनी ऑफ विच मे बी इंटेंजिबल। तो जो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इंटेंजिबल हों, इंटेंजिबल मतलब डिफ़िकल्ट टू मेज़र, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे नॉइज़ है, पोल्यूशन है, ब्यूटी है, हेल्थी इन्वायरमेंट है। तो हर तरह के हमें कॉस्ट, हर तरह का बेनिफिट ये लेना पड़ेगा, चाहे हम इसको क्वांटिफाई कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ। सपोज़ हमने ये काम भी कर लिया, सारे लिस्ट बना ली कितने बेनिफिट हैं इस प्रोजेक्ट के और कितने कॉस्ट है। थर्ड स्टेप, फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। तो जो भी हमने फ्यूचर में देखा कि इसका बेनिफिट होगा, इसमें इतना लॉस होगा, तो उसको हम करंट के हिसाब से देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं उसकी। जैसे सपोज आज 2020 है, तो 2025 में जो बेनिफिट होगा तो उसको हम 2005 के हिसाब से कंपेयर करते हैं कि वो कितना होगा उस टाइम, तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होगी।
In stage 3, the evaluation of the identified externalities is made, जो बाद में भी हमें benefit cost आएगा वो. However, such evaluation is quite a different task as it involves also evaluating intangible externalities such as noise, pollution, etc. All the benefits and costs over the lifespan of the project have to be discounted to obtain their present values. तो उसको हम जैसे आज सपोज करो जो प्रोजेक्ट है उसका जो बेनिफिट है वो 100 है, हो सकता है 20 ईयर बाद उसका जो बेनिफिट है वो 100 ना हो, 60 रह जाए. तो हमने 60 जो उसका रखा वो उस टाइम के लिए रखा, इट मीन्स हमने उसको डिस्काउंट कर दिया. इसको कहते हैं कमर्स की टर्म है ये, मतलब जो 100 बेनिफिट उसका आज है तो 20 साल बाद उसका अगर 100 बेनिफिट तो नहीं होगा, तो 20 साल बाद कितना होगा, मान लो 60 होगा, तो हमने उसको डिस्काउंट कर दिया. दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू हम देख रहे हैं उसकी उस टाइम की. तो स्टेज 3 में हमने ये करना है. एंड स्टेज 4, डिसाइडिंग टू अंडरटेक एंड इम्प्लीमेंट द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट. इट मीन्स हमने टेबल बना लिया, सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरनल एक्सटर्नल सारी कॉस्ट लिख ली, सारे बेनिफिट लिख लिया. तो बेनिफिट कॉस्ट लिख कर हम बेनिफिट माइनस कॉस्ट करेंगे, फिर नेट बेनिफिट निकालेंगे लास्ट स्टेज में. ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन मेड इन स्टेज 3, जो हमने स्टेज 3 में सारे टेबल बना लिए बेनिफिट का, कॉस्ट का, नेट बेनिफिट का, डिसीजन हैज टू बी टेकन इन स्टेज 4 रिगार्डिंग वेदर टू अंडरटेक द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और इट शुड बी रिजेक्टेड. तो अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो हम इसको प्रोजेक्ट को पास कर देंगे, चलाएंगे आगे, मान लेंगे. अगर कॉस्ट ज़्यादा है फिर हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे. इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स इंटरनल एक्सटर्नल एक्सीड्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कॉस्ट्स, तो अगर बेनिफिट ज़्यादा होंगे कॉस्ट से ऑफ द प्रोजेक्ट, इट शुड बी एक्सेप्टेड, तो हम उसको मान लेंगे. दीज आर द स्टेजेस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. Now use of cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis is generally used in case when the economic effects of a project or an investment expenditure program or policy change accrue in future years also. तो ज़्यादा तौर पे वहाँ पर हम cost-benefit analysis करते हैं. जैसे हमने introduction में देखा कि जो बड़े project हैं, government के project हैं, वहाँ पर वैसे हम इसको माइक्रो लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी यूज़ करते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने डे टू डे डिसीजन के लिए भी यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड टू असेस वेदर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. तो इसलिए ये किया जाता है एनालिसिस कि क्या हम उस प्रोजेक्ट को चलाएं या ना. In order to do so, both direct and indirect benefits and costs to be incurred on the project over the years are estimated. So, सब तरह की जो direct, indirect cost है, benefit है, वो हमें calculate करनी पड़ती है. It is a method of evaluating public projects and expenditure programs for making decisions regarding the desirability of the projects to be undertaken. क्योंकि जो project desired हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, कॉस्ट कम है, इट मीन ये प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ायर्ड है. तो जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, बेनिफिट कम होगा, तो उस प्रोजेक्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं. तो हम प्रायोरिटीज़ बना सकते हैं अपनी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि कौन से प्रोजेक्ट हमें पहले पूरे करने चाहिए, कौन से हमें फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देने चाहिए. Accordingly, it is used to assess big public expenditure schemes such as building dams, airports, planning for defense and safety, and spending for health, education and research. तो इन चीजों पर मेनली ये होता है. Now conclusion. It follows from the above that
The cost benefit analysis is a method of evaluating investment project or other public expenditure program by identifying and evaluating all relevant costs and benefits, that is both internal as well as external. A proposed project has to be undertaken if the present value of all benefits exceeds the present value of all cost. तो वो प्रोजेक्ट हम मान लेंगे जहां जिसकी वैल्यू बेनिफिट की वैल्यू ज्यादा होगी कॉस्ट से. तो ये जो लग रहे हैं पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट देखने, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, कुछ ये लग रहा है कि ये मैक्रो लेवल का काम है. बट मैक्रो लेवल का काम ये है नो डाउट. इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही काम आते हैं, ये माइक्रो में इंडिविजुअल्स के लिए, फर्म के लिए भी काम आते हैं. Initially, cost-benefit analysis was developed to evaluate public sector investment, but is now being used by decision-making by the private sector as environment and awareness. So, private sector भी इसको use करते हैं, individuals भी इसको use करते हैं. These are some reference books जहां से ये chapter बनाया है. एचएल अहूजा की बुक है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी द माइक्रो इकोनॉमिक व्यू, काफी डिटेल्ड बुक है ये. बेनॉक एंड बैक्स्टर की ये पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स है फॉर द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स. दिस इज वेरी डिटेल्ड बुक, वेरी बेस्ट बुक. ब्रैनहम एंड विंस्टन की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की ये बुक है. इट इज़ आल्सो वेरी यूजफुल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.